रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंतर देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल शाहिन्स कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल देसी मुर्गी। ये आपके सामने देसी मुर्गी है, इसे मैं ज़बह करवा कर साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब इस देसी मुर्गी को मैंने ज़बह करवा लिया है, आप साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। देसी मुर्गी को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, इसके मैंने पर उतारे हैं, ऊपर वाली जिद नहीं उतारी क्योंकि ऊपर वाली जिद में मज़ा होता है। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे, मैंने इसे अच्छी तरह साफ़ किया, देख सकते हैं ऊपर वाली जिद नहीं उतारी मैंने, सिर्फ पर उतारे हैं, और अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। अब मैंने इसे पीसेस बना लिए हैं। प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 3 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच नमक भी शामिल किया है। सबसे पहले हम देसी मुर्गी की सूप बनाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले मैं मुर्गी शामिल करूँगी सूप बनाने के लिए। अब आधा अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूंगी, और इसके साथ हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। आप सूप बनाने के लिए अब मैं पानी शामिल करूंगी। अब इसे अच्छी तरह हिलाएं ताकि जितने भी मसाले वगैरह डाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, वो इसमें मिक्स हो जाए। अब हिला के अब इसे बंद कर देती हूँ और आहिस्ता हिलाना। अब हमारे देसी मुर्गी का सूप तैयार हो गया है, देखिए आप कितना खूबसूरत कलर है। देसी मुर्गी का सूप इसलिए मैंने निकाला था क्योंकि देसी मुर्गी का सूप इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। सूप तैयार हो गया, अब मैं देसी मुर्गी को भूनूंगी। इसमें मैंने सबसे पहले पतीले में 1 कप ऑयल शामिल किया है, अब मैं प्याज शामिल करूंगी। और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो गया, मैं टमाटर शामिल करूंगी। अच्छी तरह हिलाने के बाद अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। अब मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी। मसाला भून चुका है, अब मैं मुर्गी शामिल करूंगी। अब मुर्गी को भूनने के लिए मैं 2 कप पानी शामिल करूंगी। अब हमारी देसी मुर्गी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसे सफेद जीरे के साथ गार्निश करूंगी। सफेद जीरा मैंने 1 चुटकी लिए, और साथ में सब्ज़ धनिया के साथ। और अब मैं इसे ब्रेड में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारा रमज़ान स्पेशल देसी मुर्गी तैयार हो गई है, रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।